तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे, सदा खुश रहो। इस घर पे जो बला आई है ना भगवान, उसका निपटारा करो। अरे साइमन गज्जू, वेलकम बैक। इस घर का कुछ नहीं हो सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विंटर दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कृष्णा जी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है। दीदी, आपके हैप्पी बर्थडे के लिए हम पाइनएप्पल केक भी लाए, सब मिलके काटे। ये देखिए, हम तो बिट्टू और जीजा जी के नाम का प्रसाद भी चढ़ा के आए मंदिर में, लड्डू, वो भी बूंदी का लड्डू। गजानन भाई साहब, मुंह बेटा कीजिए, बहुत बढ़िया। कीजिए लड्डू। आंटी जी, लड्डू। क्या कर रहे हो, थाली में रखो। हाँ नहीं तो। मटुक जी, ये लीजिए लड्डू, ये लीजिए लड्डू, ये लीजिए लड्डू। हम खुद ही ले लेंगे। अंकल जी आ गए। अरे रुके 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 रुके, हम पापा जी खिला देते हैं, आप कृष्णा जी खिलाइए। पागल है काबे, क्या पता पापा जी। सोना, क्या जरूरत थी सब करने की, इसे बिन बताए किसके घर में आते हैं क्या? अरे दीदी, आपका बर्थडे, हम कैसे नहीं आते बताइए तो, है ना जीजू? हाँ अम्मी जी। नोट कर लो, आज ही के मनहूस दिन पैदा हुई थी ये महारानी हम सबके जीवन में कोहराम मचाने को। तिलोकलाल जी। पापा, राधेलाल शुक्ला के मेहरारू का जन्मदिन है और अब 15 अगस्त थोड़ी है, सारा काम धाम छोड़ के और छुट्टी मनाए। चलो दुकान वकान खोलो। जी पापा। अरे अरे अंकल जी, केक। हट। सुना चुप, बहुत हो गया बर्थडे, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे चलो चलो निकलो। अरे अरे रुकिए रुकिए, कृष्णा जी घर आए मेहमान को ऐसे थोड़ी ना कोई भगाता है। बेचारी को केक तो काटने दीजिए, इतनी दूर से आई है, इतना तो बनता है ना। प्लीज बिट्टो, केक तो काट लीजिए। प्लीज ओनली वन केक। हां बिट्टो प्लीज, देखो केक तो काटना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, केक काटना पड़ेगा। अम्बे मैया, लल्ला जी तो कत्ते चौपट हो चुके अपने जोरों के प्यार में। प्लीज कृष्णा जी। मम्मी जी आइए ना, आज कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे, केक काट लेते हैं सब लोग। चलिए ना मम्मी जी। मम्मी जी, राधे जी प्लीज ये सब मत करिए, हम जानते हैं कि हमारे जन्मदिन से यहाँ कोई खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कृष्णा जी, देखिए हम खुश है ना, हमारी खुशी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? दीजिए दीजिए केक दीजिए। आइए आइए सब, आइए 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 आइए, जल्दी आ जाइए। क्या कम बिट्टो कम। कृष्णा जी बर्थडे तो आपका मनेगा और केक भी कटेगा। आइए सब लोग आइए, कम बिट्टो कम। कृष्णा जी अब फूक मारिए मोमबत्ती पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू।
हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। दीदी आप भी खिलाइए। देखो बहुत हो गया बर्थडे, अब तुम लोग घर जाओ। कृष्णा जी हम इनको बाहर तक छोड़ देते हैं। बाय दीदी। बाय। आज सरहद जी का बर्थडे है, एक पीस केक तो बनता ही है। मजा आ गया। अम्मा शुक्ला जी अम्मा हटो यार, अम्मा कहाँ चल दिए यार? दुकान जा रहे हैं। और सुना तुम्हारी पढ़ी लिखी बहुरिया ने घर में पुलिस पुलिस बुलवा लिया है? और तुम्हारा वो गज्जो रात भर हवा खा कर आया। अम्मा भैया हमें बुलवा लिए होते यार है? देखो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन शायद तुम्हारे कोई काम ही आ जाते हैं। ऐसा है भैया चौरसिया कि भगवान वो दिन ना दिखाए कि तुमसे मदद लेनी पड़े मुझे, समझ गए? अरे भैया शुक्ला जी इसमें भगवान की क्या गलती है? अरे भैया तुम तो खुद ही पैसे दे के मलिहाबाद से मुसीबत मोल लेकर आए हो। अब तो भगवान जो दिन ने दिखाए वही कम है। भाई नहीं यार, पापा जी थोड़ी जेल में बैठे, तुम माल भेजो बस, काम धंधा थोड़ी बंद कर दिए। और हाँ दो कट्टा। हेलो हेलो, अब फोन कट गया पता नहीं। अरे पापा जी वो होलसेलर वाले चंदूलाल का फोन था, बोला इस महीने माल नहीं दे पाएगा। हम पूछे काहे तो बोला आपको जेल हो गई तो उसका तो पैसा बच जाएगा। अब बोला पिछला क्लियर करो तो अगला भेजे। साले और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलो, ट्रांसफार्मर पे चढ़ जाओ और पूरे कानपुर में ऐलान कर दो कि भाई शुक्ला को जेल हो गई है साले कहीं के। देखो कैसा सरस। गए हमें बर्थडे नहीं मनाना। अरे मगर कृष्णा जी आप अपने बर्थडे वाले दिन आप हमको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हैं? तो क्या कल का मुहूर्त निकलवाए फिर जाए? नहीं कृष्णा जी हम ये नहीं कह रहे कि मुहूर्त निकलवाना जरूरी है, मगर प्लीज कम से कम एक आखिरी बर्थडे हमारे साथ मना लीजिए कृष्णा जी प्लीज। राधा जी आप क्या बच्चे हैं, आपको हमारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है? अरे दम घुटता है हमारा इस घर में, सिर्फ आपके पापा जी इस घर के लोगों को जानवर नहीं समझते हैं, इस घर के इंसान बीमार खाते खाते अपने आप को जानवर समझने लगे। आपने देखा ना ललिया भाभी की जुबान तक नहीं खुली पुलिस के सामने, अरे ऊपर से हमें झूठा साबित कर दिया। हम तो बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे पर शायद वो खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते। देखिए हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, हमने फैसला कर लिया है। अच्छा अच्छा कृष्णा जी आप मत रुकिए, मगर इस सब में हमारी क्या गलती है? हमने अपनी बाइक जला दी, पापा जी से पंगा ले लिया, लाली भाभी के कमरे का दरवाजा तक तोड़ दिया। कृष्णा जी आपने जैसे कहा हमने वो सब किया, प्लीज एक बात हमारी भी मान लीजिए कृष्णा जी, बस आज रुक जाइए प्लीज, एक बर्थडे हमारे साथ मना लीजिए प्लीज कृष्णा जी प्लीज। अरे प्रभु एक का दर्द दे दिए हमको हैं? अरे अरे अब तो उठा लो हमको परेशान हो का भाई, नहीं कहां चलती सवारी हैं? ऐसे लष्टम पष्टम तैयार होके का कोई नया कांड रचने की तैयारी तो ना हो रही है? अब मम्मी जी वो
कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे था आज, तो सोचा इनको थोड़ा घुमाने ले चलते हैं और आपका आशीर्वाद भी ले लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जे लड़की जितनी देर घर से बाहर रहेगी ना, सबके लिए ठीक रहेगा। हाँ नहीं, दो चार पल हम भी शांति से अपने घर में गुजार लेंगे। नहीं, ले जाओ ले जाओ। थैंक यू मम्मी जी। हाँ जाओ जाओ। अरे भाई बड़े बट्टे बनाएंगे भाई, चलो। देखा हमने बोला था ना, मम्मी जी मान जाएंगी। कौन सी मिट्टी के बने हैं आप? यहीं की, सिबिल लाइंस कानपुर की। और हाँ कृष्णा जी, हम कभी कभी ना सिर्फ बेवकूफी का नाटक करते हैं, इतने बड़े वाले हम हैं नहीं। अब मम्मी जी का ताना हमको समझ में नहीं आता है क्या? कभी कभी बेवकूफ बनने से अपना काम बन जाए और सामने वाले का दिल भी ना दुखे तो क्या बुराई है। चले अब चलो। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अरे कृष्णा जी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना। कृष्णा जी आंखें मत खोले हुए जब तक हम नहीं बोलते। हैप्पी बर्थडे कृष्णा जी। यार हर बात फजीहत करवाना जरूरी है क्या हमारी? जी ये सब कृष्णा जी, ये सब हमने अपने हाथों से सजाया है खास आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पे एकदम अपने घर जैसा फीलिंग आए। थैंक यू राधे जी। अरे नहीं नहीं, अभी पूरा थोड़े ना हुआ है। दोबारा से चुटकी बजाने जा रहे हैं। बहुत देर लगा दी, का चाय पियेंगे कि खाना लगाएं?
क्या बात है शुक्लाइन, बड़ा सन्नाटा है घर में। करो तूफान नहीं मचा है, अपने घर पे आए हैं ना, गलत जगह घुस गए भाई। नहीं बहुरानी बाहर गई है ना, इसीलिए घर में शांति है। क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कब तक चलेगा? करना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें काम करो, जूता उठाओ हम कह रहे हैं, जूता उठाओ, उठाओ। बचाओ, हमारे सर पे बचाओ जूता। ना ना हम कह रहे मारो, ये पाप हमसे ना हो पाएगा। ना मारो, अरे क्या करे, मारो, अरे मारो, मारो, करे मारो। हम काम ही ऐसा किए हैं, काम ही ऐसा किए हैं शुक्लाइन। तुम हमको मना की थी ना हाँ कि लड़की ठीक नहीं है, उस शादी में इतना रायता फैलाई उस समय भी तुम हमको समझाई थी कि राधेलाल का ब्याह उससे मत करिए, पर हम ही नहीं माने। क्या करे, हमारी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी साली, मती मारी गई थी। इतना पैसा खर्च करके मुसीबत मोल लेके आ गए, चू उठी थी हमको ट्रॉफी बहु लाने की। ना मारो, हम कह रहे मारो। अरे का किसी को तो तसल्ली मिले, किसी को तो राहत मिले, ठीक लग रहा है तुमको? ऐसा थोड़ी ना होता है। देखिए हम है ना, आप चिंता मत कीजिए, हाँ हम बात करेंगे, एकदम सीधी बात करेंगे। ना ना शुक्लाइन, अब कोई बात नहीं करनी है। अरे वो ललिया थोड़ी है, हैं? कृष्णा है वो डांट फटकार से डरा धमका के थोड़ी समझेगी। उसके पास एक दिमाग है जो बहुत तेज चलता है, उसको तो दिमाग से ही मात देनी पड़ेगी, बस एक बार हमको मौका मिल जाए उसका तो द एंड कर देंगे, देखना तुम। तब तक उसकी बातें सुनती रहे। से शुक्लाइन, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, बिल्कुल सही कह गए हैं कि सयाना कौआ जो है वो गू खाता है, खा रहे हैं बड़े शुक्लाब गू खा रहे हैं। थोड़ा सब्र कर लो शुक्लाइन, जो कृष्णा नाम का कौआ है ना, बहुत दिन तक मोती नहीं चुक पाएगा, सोचने दो हमको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।